तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। कल 19K का माइलस्टोन टच करवाने के लिए आप सबका शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया बोलने का मौका मुझे अगले हफ्ते फिर से देना। 20K का बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट करा के आज के लिए छोटा सा टारगेट रखते हैं 19.2K का। सिर्फ 125 चाहिए इसके लिए, तो फटाफट करवा दो। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है बेस्ट स्नाइपर्स के बारे में। तो रॉकी भाई ने टॉप 3 स्नाइपर्स के नाम बताए हैं और ये भी बताया है कि वो पहाड़ी और माफिया इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। रॉकी भाई, टॉप 3 स्नाइपर आज की डेट में? केडी, प्रेडिटर और सिदाक। आज की डेट में पूछो केडी, प्रेडिटर और सिदाक मेरे हिसाब से। और अगर उससे ज्यादा ऑप्शन दोगे तो मैं एपी का भी नाम ले लूंगा, पवन का भी नाम ले लूंगा, सास्के का भी नाम ले लूंगा, बहुत है। अभी मैं माफिया या पहाड़ी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि देखो, माफिया कुछ दिन मतलब लंबे चौड़े ब्रेक से वापस आए हैं, तो अभी उस टच में नहीं भी दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता माफिया भी उस चीज को मानेगा। और पहाड़ी तो आपको पता ही है, अभी 2 दिन हुआ है कमबैक वापस किया है पहाड़ी ने, तो अभी पहाड़ी का नाम लेना भी थोड़ा जस्टिफिकेबल नहीं है। उसके अलावा मुझे लगता है जो 3 नाम मैंने लिए हैं वो भी मैंने सही नाम लिए हैं आज के डेट के परफॉर्मेंसेस देखते हुए। बट अभी रुको, जरा सबर करो, अभी तो वो 4 अननोन आएगी, भूल गए, आनंद, स्वास्तिक, राधे ठाकुर, भीम, विजार्डो, सब आएंगे भाई। हमारे जो चैंपियंस हैं इस गेमिंग लीग सीजन 2 के फ्री फायर मैक्स के, वो रहने वाले हैं ब्रेक ब्रदर ईस्पोर्ट्स। काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हमारे सामने होती हुई देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ये जो प्रॉपरली हमारे सामने जो टीम निकल के आई, आई थिंक एक वेल डिजर्व्ड विन जरूर मैं कहना चाहूंगा इनके लिए निकल के आई। ओवरऑल स्टैंडिंग्स अब हमारे सामने आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 175 पॉइंट्स के साथ ब्रेक ब्रदर ईस्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट को जीतते हुए नजर आएगी। हेड एंड टस जो हम बात कर रहे थे, दूसरे पायदान पर आएंगे 164 पॉइंट्स के साथ। एंड अभी के लिए द माफियाज की पटरी बात करें, टॉप 3 में जरूर खत्म किया है, 159 पॉइंट्स उनके ही हैं। एंड टीएसजी आर्मी के पास भी 159 पॉइंट्स रहने वाले, बट द फैक्ट इज द माफियाज की जो प्लेसमेंट पॉइंट्स हैं वो ज्यादा रहेंगे, दैट मींस आपको एक पायदान ऊपर जरूर मिलने वाला है। इसी वजह से देख सकते हैं बिल्कुल बराबरी पर खत्म होने के बावजूद टॉप 3 में टीम माफियाज रहने वाली है। यहां से टीएसजी आर्मी 4th पोजीशन पर खत्म करेगी विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज 159। टीम एनएमआर ईस्पोर्ट्स 146 पॉइंट्स 5th पोजीशन, टीम कॉस्मिक ईस्पोर्ट्स 142 के साथ 6th पोजीशन रहेगी। अगली अपडेट है दो बार के एफएफआईसी चैंपियन वासियो की तरफ से। तो वासियो ने बताया है, क्या हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर पाएंगे और कर पाएंगे तो कैसे? आई नो इंडिया में हमारी बहुत बेस्ट टीम्स हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, बट इतना लंबे टाइम हम लोगों ने कोई टूर्नामेंट्स ही नहीं देखे हैं जो एक अच्छे लेवल पे हो रहे होंगे। हाँ, थर्ड पार्टीज बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बट थर्ड पार्टीज फिर भी इतना सीरियसली आप नहीं खेलते हो। लेकिन अगर ऐसे एकदम से नया टूर्नामेंट आ जाता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की टीम बहुत लैग करती है, तो इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे हमारे, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर से जानना चाहूंगा कि जो ये गैप आया है इसको फुलफिल करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत जो हमारे वर्ल्ड सीरीज पहले भी हुए हैं हमने उसमें भी देखा है टीम इंडियंस की टीम्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करती हैं, तो उस चीज को कैसे कैचअप कर पाएंगे इतना जल्दी हम लोग। माइंडसेट पे उतरना पड़ेगा कि ऐसा अगर मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड सीरीज खेलने, तो मेरे को अभी ऐसे वो माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करना है कि नहीं, मैं उनके कैपेबल हूँ, मैं कर सकूंगा। अगर मैं ये सोच के उतरूंगा कि नहीं अभी बहुत टाइम से खेला नहीं, क्या होगा, तो फिर वहाँ पे भी वो मतलब माइंडसेट का एक रह सकता है। एज इन स्किल के बोल सकते हैं कि हाँ वो लोग बहुत अच्छे से ग्राइंड कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं कॉम्पिटेटिव, रेगुलर खेल रहे हैं पूरे साल, तो वहाँ पे कि हाँ वो स्पिरिट हमारे में वो इतनी शायद से उस टाइम पे कि वो नहीं होगी। बट एज एन पॉजिटिव पॉइंट हम ये भी देखेंगे, हमने खेला ही नहीं है, हमें खेलना है, हम जीतना चाहते हैं, हाँ, वो हमारे में एक भूख भी रहेगी, भूख है कि हाँ वो भी एक इफेक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद से कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बट हो सकता है कि यार मैं तो सच्ची में बस यही चाहूंगा कि वो जो एक टूर्नामेंट है वो फ्री फायर का निकले और हमें स्लॉट मिले। ठीक है, सबने अपनी पूरी जान लगाई एंड आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट। तो गाइस, हमारे फाइनल पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग
जो फाइनल टॉप सिक्स टीम्स क्वालिफाई करके सेमीफिनाले जा रही है उनके नाम है द माफिया टेबल टॉप एट 210 पॉइंट्स। टेबल टॉप माफियाज डोमिनेटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे और क्वालिफाई करके भी गए हैं और सबसे ज्यादा किल और प्लेसमेंट निकाल कर भी माफियाज ही गई है। 125 किल ठोके हैं माफियाज ने क्वालिफायर्स में और इट्स अ बिग स्टेटमेंट फॉर देम। वर्ल्ड ऑफ बैटल एज आई एक्सपेक्टेड 171 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई द सेकंड पोजीशन एंड द होप्स आर स्टिल ऑन। डोंट वरी चिल आउट गाइस। टीएसजी आर्मी ने गाइज यहां पे क्वालिफाई कर लिया है 161 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्यूचर इलीट एफटी 157 पॉइंट्स के साथ फोर्थ पोजीशन में आए हैं एंड दे ऑल्सो गेट क्वालिफाई। फौजी अजय ई स्पोर्ट्स 137 पॉइंट्स के साथ फिफ्थ पोजीशन विद दैट कंसिस्टेंसी वो क्वालिफाई कर गए। गेमिंग यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंसी से खेले 132 पॉइंट्स के साथ वो भी क्वालिफाई कर गए। अगली अपडेट है रॉकी भाई की तरफ से ही, तो उन्होंने बताया कि जल्दी टूर्नामेंट्स की बाढ़ आने वाली है। जिद है तो है, ठीक है। हाँ रॉकी भाई, ग्राइंड क्या थी करिए, तुम्हारा सिवाय कोई टूर्नामेंट कराओ तुझ नहीं, हमारी टीम क्या थी आगड़ वत से। भाई देखो ऐसा है, मैं हिंदी में अनुवाद करूं, उन्होंने कहा कि ग्राइंड कहां से करे, आपके अलावा कोई टूर्नामेंट नहीं कराएगा तो हम कैसे करेंगे। ब्रो अभी अनाउंस हुआ है, ठीक है, मेरा गणित कहता है एक से डेढ़ महीने के भीतर इतने टीओ आएंगे यहां पे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टूर्नामेंट मैं खेलूं कौन सा नहीं खेलूं। और आप जो अभी लिख रहे हो ना, एक दिन मेरी बात ध्यान रखना ब्रो, छोटा मुंह बड़ी बात, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं, आप ही चैट में आके लिखोगे रॉकी भाई आपके टूर्नामेंट के टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे टीम इस टाइम पे अलग अलग जगह टूर्नामेंट खेलती है। ये मेरी जुबान है आपको, ठीक है, राजपूत की जुबान है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। बस महीना डेढ़ महीना, उसके बाद आप देखो इतने टूर्नामेंट भर जाएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका खेले किसका छोड़े। एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए फिर बराबर मौका मिल जाएगा सबको। आरएनएक्स और लिडोमा तो करवाएंगे ही और शायद टीडब्ल्यूओबी का भी, कोई बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, गोजू गेमर वाले भी कराएंगे, क्या पता game.tv भी लौट के आ जाए। मेरा हिसाब बना और मैं फ्री फायर में रहा तो अंडर गॉड्स ओनली वाला मैं भी करा दूंगा, बट यार उसमें टाइम तो लगेगा। सही बात है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।